भिलाई सेक्टर एक में स्थित ऑडिटोरियम में आदिवासी महाराज समाज के महासम्मेलन में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले शामिल हुए, जिनका आदिवासी महाराज समाज द्वारा भव्य स्वागत किया गया। सेक्टर वन में आयोजित आदिवासी महरा और आदिवासी महाराज समाज के सम्मेलन में मंगलवार को राज्य मंत्री रामदास अठावले भिलाई सेक्टर एक के ऑडिटोरियम पहुँचे। इस दौरान सेल SC/ST फेडरेशन के अध्यक्ष सुनील रामटेके और महाराज समाज के पदाधिकारियों ने बतौर मुख्य अतिथि पहुँचे राज्य मंत्री रामदास अठावले का स्वागत बड़ी भव्यता के साथ किया। इस दौरान सामाजिक गतिविधियों और समाज के लिए बेहतर योजना बनाने घंटों चर्चा की गई। राज्य मंत्री रामदास अठावले ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि समाज के उत्थान के लिए वे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात करेंगे, साथ ही मंदिर मस्जिद में लाउड स्पीकर को लेकर चल रहे विवाद को लेकर कहा कि सभी अपने धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगा सकते हैं और हमारी पार्टी लाउड स्पीकर हटाने का विरोध करती है। समाज जो है एक गरीब समाज है, इसके लिए कोई नया पैकेज जो है एक देने के बारे में भी राज्य सरकार ने विचार करने की आवश्यकता है और मैं मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखूंगा और इस समाज को न्याय मिलना चाहिए, इसी तरह की हमारी भूमिका। सर, महाराष्ट्र में जो हनुमान महाराष्ट्र में जो विवाद हुआ है, माननीय राज ठाकरे जी ने झगड़ा लगाने की शुरुआत की है। हिंदू मुसलमानों में शांति होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, लेकिन दोनों समाज में विवाद पैदा करने की कोशिश हुई है। मेरे पार्टी का स्टैंड ये है कि भाई मस्जिद के भोंगे हटाने के बजाय अगर आपको मंदिर में भोंगे लगाने हैं, हनुमान चालीसा का पठन अगर करना है तो आपके मंदिर के पास आपको करने का अधिकार है, लेकिन वहाँ भोंगे मतलब हटाने का जो भूमिका है, इस भूमिका का हम विरोध करते हैं और हम हिंदू मुसलमानों की शांति चाहते हैं और ना हिंदू पर अन्याय होना चाहिए ना मुस्लिम पर अन्याय होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का अपमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ये बाबा साहब के संविधान का अपमान हो रहा है और इसीलिए हम उस भूमिका का राज ठाकरे की भूमिका का कड़ा विरोध करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार जो है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रॉबिन मल्ल ठाकुर की रिपोर्ट।